आपके साथ। जब काम आई यामी की लॉ की पढ़ाई फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में। पिछले दिनों ही यामी गौतम ने श्री नारायण सिंह के डायरेक्शन में बन रही फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू की शूटिंग खत्म किया, जिसमें शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर भी दिखेंगे। फिल्म में यामी एक लॉयर के रोल में है जो शाहिद कपूर के खिलाफ केस लड़ती है। यामी के लिए लॉयर के रोल की तैयारी करना काफी रोमांचक था क्योंकि उन्होंने कॉलेज में लॉ की स्टडी की है और इस दौरान वह कोर्ट रूम भी गई हैं और हेयरिंग में भी मौजूद रही हैं। शूटिंग शुरू करने से पहले अपने रोल की तैयारी के लिए उनका पिछला एक्सपीरियंस काफी काम आया। हालांकि यामी ने फुल टाइम लॉ की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उनका बेसिक नॉलेज भी इस प्रोजेक्ट में काफी मददगार साबित हुआ। इससे पहले यह बताया गया था कि यामी अपने हिंदी डिक्शन बेहतर बनाने के लिए लिटरेचर की किताबें पढ़ती थी, साथ ही उन्हें लॉ एवं रियल कोर्ट रूम सेटिंग के बैकग्राउंड का भी नॉलेज था, इसीलिए यामी को कोर्ट रूम में देखना बेहद रोमांचक होगा। मेरा जो किरदार है एक लॉयर का है और पहली बार मैं एक लॉयर का किरदार निभा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है। आपको ज़्यादा अभी कहानी के बारे में बता नहीं सकती। आपके